फोन के अंदर आपको 5G प्रोसेसर और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। और इस फोन के फ्रंट में आपको गोरिल्ला 5G प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है। तो चलो इसका क्रैश टेस्ट करके देखते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस फोन को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर गोरिल्ला 5G प्रोटेक्शन जो है। और एक और सबसे अच्छी बात, इस फोन के अंदर आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। मतलब आपको अपना फोन लगाना है और निकालना है, आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द अनदर मोबाइल रिव्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो पर लोग बात करने वाले पोको की तरफ से आने वाले फोन की, मतलब आने वाले नहीं, जो आ चुका है, पोको X4 5G, मतलब प्रो 5G फोन के बारे में। इस फोन के बारे में आज मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि इस फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, इस फोन के अंदर आपको कितनी बैटरी देखने के लिए मिलती है, कितनी रैम देखने के लिए मिलती है, कितनी स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, और इसके अंदर क्या हम फ्री फायर एंड लाइक पबजी अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, क्या एक बजटेबल फोन है, इसकी प्राइस रेंज क्या है। तो आज मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस फोन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप इस फोन को समझ पाओगे। एंड गाइस अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो मैं आपको एक लास्ट में एक सजेशन भी दूंगा कि आप इस फोन को लो या फिर नहीं लो, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, मुझे पता है बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्यों नहीं करते यार, देखो प्लीज यार लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और आपको अगर अच्छा सा फोन लेना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप भी एक फोन लेना चाहते हो। तो मेरी हर एक वीडियो फोन पे ही आने वाली है और आती भी है, तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस फोन की प्राइस से। तो गाइस इस फोन के अंदर आपको तीन वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला वेरिएंट आता है जो कि है 19,000 का। इस वेरिएंट के अंदर आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। तो गाइस बात करते हैं अब दूसरे वेरिएंट के बारे में, तो इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है 20,000 रुपये का। इस वेरिएंट के अंदर आपको 128GB स्टोरेज देखने के लिए मिलती है और 6GB रैम देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं इसका तीसरा वेरिएंट, तो तीसरे वेरिएंट के अंदर आपको 128GB स्टोरेज देखने के लिए मिलती है और इसके अंदर आपको 8GB रैम देखने के लिए मिलती है। अब एक चीज़ मेरी सुन लो, अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो नेक्स्ट थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए और अच्छी गेमिंग, तो आप जो कि 19,000 वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मिल रही है, उसको तो लेना ही नहीं है, क्योंकि यार देखो 64GB स्टोरेज क्या मायने रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखती, तो उसको तो साइड में रख दो। अगर आप लोग गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हो तो आपको कम से कम उसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इनके वेरिएंट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो बात करते हैं इस फोन के अपन प्रोसेसर के बारे में, जो कि इस फोन का दिल है, यानी कि इस फोन की पूरी जान है, क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर तो पूरा फोन चलता ही है। उसकी परफॉर्मेंस मैटर जितनी रैम पर नहीं करती, उससे ज्यादा मैटर उसके प्रोसेसर पे करती है। तो इस फोन के अंदर अपन को प्रोसेसर देखने के मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड कुछ 2.2 GHz की स्पीड हमको देखने के लिए मिलती है। तो इस फोन का जो प्रोसेसर अभी अच्छा है या फिर नहीं है फ्री फायर खेलने के लिए या फिर अदर गेम खेलने के लिए, इसके बारे में डिस्कस मैं लास्ट में करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो इस फोन की बैटरी के बारे में भी बात कर लेते हैं, अब इतना कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमको बैटरी देखने के लिए मिलती है 5000 की बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है। अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो तो लगभग आपका वन डे चलने वाली है, ऐसे कह सकते हैं। आप अगर सुबह चार्ज कर लोगे फोन को तो रात में आपको इसको चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब रात तक बैकअप दे देगी, पूरा वन डे का आपको बैकअप देने वाली है इसकी बैटरी। और इस फोन के चार्जर की भी बात कर लेते हैं, तो इस फोन के अंदर आपको 67 वॉट का एक फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, जो कि फोन आपका लगभग 25 मिनट के अंदर पूरा चार्ज कर देगा, मतलब 25 से 30 मिनट के अंदर आपको फोन पूरा चार्ज कर लेगा, और भी जल्दी कर देगा वैसे तो, पर लेकिन ये मैं अप्रॉक्स वैसे टाइम बता रहा हूँ। तो इस फोन का जो चार्जर और बैटरी, इनसे कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग इस फोन को लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, क्योंकि इस फोन के कुछ नुकसान भी हैं लेने के वो। और अगर देखो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, पैसे आपके बर्बाद होंगे, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही देना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना एक बार फोन लेने से पहले, ठीक है। जब इतनी बात कर ही रहे हैं तो इस फोन के कैमरे के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस फोन के जो मेन कैमरा है वो आपको 67 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा, और जो सेकंड कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा, और जो थर्ड कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, कंपनी को यह 2 मेगापिक्सल का कैमरा क्या देने की जरूरत है, इनका कोई यूज़ तो होता ही नहीं है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो हमको 16 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो सेल्फी वाला कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का। तो कैमरा लगभग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है कैमरे के अंदर, और हमें कैमरे से कोई मतलब नहीं है, हम गेमर हैं, हमको फोन के प्रोसेसर और रैम से जाना मतलब है और स्टोरेज से। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।
और इस फोन के अंदर आपको जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, तो इस फोन के अंदर टूट फूट का कोई डर नहीं है। और बात करते हैं इस फोन के फिंगरप्रिंट के बारे में, तो गाइस इस फोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हमको यार साइड माउंटेन वाला देखने के लिए मिलता है, ना कि डिस्प्ले वाला, मतलब जो कि डिस्प्ले पे होता है वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में। यार पोको को यार डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट देना चाहिए, बट लेकिन पता नहीं इनको साइड वाला क्या पसंद है, कहीं कुछ भी नहीं कह सकते। पोको के मैं जितने भी फ़ोन देख रहा हूँ ज़्यादातर वो साइड माउंटेन ही फिंगरप्रिंट देख रहे हैं, यार इनबिल्ट डिस्प्ले में भी देना चाहिए। और इस फोन के अंदर 120 हर्ट्ज़ का हमको रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। बट लेकिन इस फोन के अंदर मुझे एक बैड इशू लगा यार इस प्राइस रेंज पे, यार इस फोन के अंदर जो डिस्प्ले हमको देखने के लिए मिलती है 6.67 फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, मतलब यार एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं है यार इस प्राइस रेंज में, तो यार ये काफ़ी बैड फ्यूचर है यार मेरे हिसाब से। यार मतलब कुछ भी है मेरे को भाई, एमोलेड डिस्प्ले और LED डिस्प्ले में जमीन आसमान का अंतर है, आप कभी देखना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। एमोलेड डिस्प्ले में जो ग्राफिक दिखते हैं ना कितने मस्त देखने में और गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इस फोन के अंदर आप डुअल सिम डाल सकते हो, यानी कि मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, इस फोन के अंदर या तो आप दो सिम डाल सकते हो या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दो ही स्लॉट देखने के लिए मिलते हैं, या तो आप दो सिम डाल लो या फिर एक मेमोरी कार्ड या फिर एक सिम, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। और इस फोन के अंदर जो एक्सट्रैक्ट रैम होती है वो भी मेरे हिसाब से शायद है, वैसे होनी चाहिए और होती भी है, तो वो भी इस फोन के अंदर इनबिल्ट है। और अब चलो इस फोन के कुछ बैड फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, क्या मामला है। तो चलो इस फोन की अब थोड़ी सी बुराई भी अपन लोग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छाई तो अपन कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो बुराई निकल के आती है इस फोन के अंदर वो है इस फोन का प्राइजेस। तो गाइस इस फोन की जो प्राइस है वो लगभग कितनी पहुंच रही है, 20,000 रुपए के अंदर इसके अंदर प्राइस पहुंच रही है। और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिल रही, सबसे बड़ा बैड इशू तो मेरे लिए यही है। और दूसरी बात फिंगरप्रिंट सेंसर, चलो फिंगरप्रिंट सेंसर को अपन एक को साइड में रख देते हैं, उसका गेमिंग से कोई जाना मतलब नहीं है पर लेकिन तब भी होना चाहिए इस प्राइस रेंज पर, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन साइड में कर देते हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात निकल के आती है वो आती है इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर है। तो यार मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बेकार है, एक ये बैलेंस वाला मतलब वो है, मतलब प्रोसेसर है, बैलेंसिंग गेमिंग आप कर सकते हो, मतलब फ्री फायर तो आप बहुत अच्छा उसमें चुम्मा खेल सकते हो, पर लेकिन जैसे आप इस फोन के अंदर जो अपडेट्स आएंगे, मतलब डिवीजन वाइज जैसे आप पता है आपको जैसे कि समय के साथ बदलाव होता है, तो ऐसे इस फोन के अंदर थोड़ा थोड़ा ये फोन डाउन होता जाएगा, देखो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। बट वैसे देखा जाए तो आप इसके अंदर फ्री फायर आराम से खेल सकते हो और पबजी भी आप इसके अंदर आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप सोचो इस फोन के अंदर मैं यूट्यूब भी करूँगा और गेमिंग भी करूँगा, तो इस फोन के अंदर कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल जैसा, इम्पॉसिबल तो नहीं बट लेकिन कर पाओगे, पर लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, एक साल इसके अंदर ऐसे काम कर सकते हो। बट लेकिन आपको अगर नॉर्मल गेमिंग ही करना, मतलब गेमिंग ही खेलना है, तो आप इस फोन को ले सकते हो, बहुत अच्छा फोन है। बट लेकिन एक इशू अभी भी कहूँगा, इस फोन का जो प्राइस रेंज है वो फ्लिपकार्ट पे और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है, अगर आपको ये ऑफलाइन में कम में मिलता है यानी कि 16,000 की समथिंग 16-17, तो आप इसको लेना, वो भी 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, 16 के समथिंग मिले 16-17 समथिंग, तो ही इस फोन को लेना, वरना मत लेना इस फोन को। तो बात कर लेते हैं इस फोन के लुक के बारे में, तो गाइस देख सकते हो इस फोन का कुछ लुक ऐसा है। तो देखो ये लुक के बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो किसी को ये लुक पसंद आएगा तो किसी को नहीं आएगा, तो मुझे ये लुक काफ़ी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे तो घटिया लगा एक तरफ का, मुझे ऐसा फोन बेकार लगता है, इसमें कितनी बड़ी तो ब्लैक कलर की रे है, तो मुझे ये लुक पसंद नहीं आया, क्या पता आपको पसंद हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लुक से कोई मैटर नहीं है, ये लुक है इसका। और दूसरी सबसे बड़ी बात यार गाइस, यहाँ पे पोको का न्यू फोन आ चुका है ना, पोको X5 Pro 5G, आप उसको क्यों नहीं जाते, उसके बारे में भी तो आप थोड़ी नॉलेज लो, क्या पता वो फोन अच्छा हो। और ये फोन वैसे भी पुराना हो चुका है, एक साल पुराना वाला वेरिएंट है, तो आप नए फोन की तरफ भी जा सकते हो। तो भाई उसके ऊपर भी तुम्हारे भाई ने वीडियो बना के रखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं तुमको लास्ट में लगा दूंगा एंड स्क्रीन पर, तो आप इसके ऊपर जा सकते हो पोको X5 5G के ऊपर, तो ये फोन भी अच्छा है अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, मतलब हाई गेमिंग भी कर सकते हो, तो इस फोन को एक बार जरूर ट्राई करना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और पोको X5 Pro 5G वीडियो जरूर देखना, तो ये आपके एंड स्क्रीन में मैंने लगा दी, तो जाकर क्लिक करो और देखो।